इस तरह से आपको बाज की लुक देखने को मिल जाती है। इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको साइज इसका फिक्स आपको मिल जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। सो आज की वीडियो लेकर स्पेशल जेंट्स वॉच मैन एक्सक्लूसिव वॉच, बहुत ही बढ़िया लुक है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लें क्योंकि सारी ही डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, कहां से आप परचेज़ कर सकते हैं, कैसा कलर दिखता है, कैसी लुक दिखती है एंड कितना इसका MRP है, सब कुछ आपको वीडियो बताऊंगा, एंड तक आप जरूर देख लें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, साथ में ही बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दें। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको डाइनिंग टेबल का बॉक्स मिल जाता है, लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इस तरह से आपको बाज की लुक देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल लुक इसकी आपको इस तरह से देखने को मिलती है। तो अराउंड में आपको दिखा देता हूँ कैसी इसकी लुक आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव आपको लिखा नज़र आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको साइज इसका फिक्स आपको मिल जाता है एंड इस तरह से आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको अपना साइज़ एडजस्ट करवाना तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों वॉच के बारे में कुछ बता देता हूँ। एनालॉग एक्सक्लूसिव सिल्वर डायल मेंस वॉच आपको ये मिलती है। टैप कलर की इधर मैं बात करूं तो सिल्वर में आपको ये मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पे इसको लुक वाइज देख सकते हैं कैसा आपको लगता है। मटेरियल की मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है। विड्थ आपको 26 mm की आपको मिल जाती है। यहाँ पे डायमीटर की बात करूँ तो 45 mm का आपको डायमीटर इसका मिल जाता है। अगर यहाँ पर मटेरियल की बात करूँ तो मेटल का मटेरियल यूज़ किया है, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल। एंड यहाँ पे डायल कलर की बात करूँ तो सिल्वर कलर में आपको मिल जाता है। ग्लास इसमें क्रिस्टल ग्लास यूज़ किया गया है। एनालॉग डिस्प्ले आपको मिल जाती है, साथ में ही राउंड शेप में आपको उसका डायल मिल जाता है। वेट ओवरऑल वेट की बात करूँ उसके तो 125 ग्राम का वेट मिल जाता है। मूवमेंट आपको पार्ट्स बात की इसमें मिल जाती है। बाकी वाटर रेजिस्टेंट डेप्थ की बात करूँ तो 50 मीटर तक आपको इसमें मिल जाती है। बाकी ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लुक है इसकी। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करूँगा इसके डायल की, इंटरनल डायल एंड आउटर डायल की, तो काफ़ी बढ़िया लुक में दे रखा है। यहाँ पे सिल्वर डायल आपको दे रखा है, स्टिक नंबर भी दे रखे हैं, तो टाइम देखने के लिए काफ़ी अच्छा लुक वाइज बना दिया गया है इसको। इस तरह से नंबर भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आउटर केस की बात करूँ तो ब्लैक कलर में आपको उसका आउटर केस दिया गया है। अभी इंटरनली आपको डायल के बारे में बता दो, यहाँ पे डायल क्लिन का लोगो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको 3 सब डायल दिए गए होंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्यूल टाइम का, यहाँ पे आपको डबल डायल मिल जाता है, यहाँ पे आपको डेज का डायल मिल जाता है और साथ में आपको डेट का फॉर्मेट भी मिलता है। तो कैसे कैसे अपना सेट करना है आपको मैं सारा ही इसमें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको क्राउन दिया गया है जिससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। एंड ये जो आपको पुश बटन दिए गए हैं ऊपर और नीचे, इससे आप ड्यूल टाइम अपना सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि अपना डेट कैसे सेट करनी है। तो क्रोन को आप हल्का सा बाहर निकालेंगे, पूरा बाहर नहीं निकालना है, मिड में रखेंगे इसको। तो इस तरह से आप इसको अगर फॉरवर्ड आप इसको रोटेट करते हैं तो आपकी डेट यहाँ से चेंज हो पाएगी इस तरह से। एंड क्रोन को आप पूरा बाहर निकाल देते हैं तो इस तरह से आप टाइम यहाँ पर आप सेट कर पाएंगे जहाँ भी आप करना चाहते हैं। इस तरह से आपका ये डायल साथ में चलता है तो इसको आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो 2 बटन दिए गए हैं पुश वाले, तो इससे आपका ड्यूल टाइम यहाँ पे सेट हो जाता है। इस तरह से आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। बड़ी ही आसानी से ये सेट हो जाता है। 24 पे आप कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप अगर अपने डेज चेंज करने तो आप क्रोन को इसको कंटिन्यू आप रोटेट करते रहिए, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ही आपका ये डेज आपके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप 24 घंटे तक इन नीडल्स को रोटेट करते रहिए, ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पे डेज चेंज हो जाते हैं।
यहाँ पे देखते रहिएगा दोस्तों, डेज आपके चेंज हो जाएंगे इस तरह से। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, देखते रहिए। हाँ जी, यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपका टाइम इसमें सेट हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ओवरऑल इसके प्राइस की बात करूँ, 6,650 के करीब इसका प्राइस आपको पड़ जाता है। लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वॉच को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मॉडल नंबर से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं सर्च करके। तो ओवरऑल दोस्तों रिव्यू मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बता देना आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और साथ में ही दोस्तों इस तरह की वीडियो आप टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें। इससे दोस्तों आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं साथ में आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट भी जरूर करें। और दोस्तों आपको इस बात का रिव्यू कैसा लगा कमेंट में मेरे को जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भगवान करे आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।